Hello students, I am Dr. Virender Singh from SQL Classroom Environment. Dear students, आज हम स्टडी करेंगे प्लस टू क्लास से विश्वास बुक फर्स्ट चैप्टर द थर्ड लेवल रिटन बाई जैक फिनी हु इज एन अमेरिकन राइटर. जैक फिनी ही वाज फ्रॉम 1911 टू 1995. हिज फुल नेम वाज वाल्टर बार्डन जैक फिनी. दिस राइटर ही इज ए वेल नोन राइटर ऑफ साइंस फिक्शन एंड थ्रिलर फिक्शंस. डियर स्टूडेंट्स, इस थर्ड लेवल चैप्टर के अंदर राइटर क्या मैसेज आपको देना चाहता है, क्या इसका सेंट्रल आइडिया है, उसको समझने के लिए मैं आज आपके लिए दो हिंदी मूवीज का की हेल्प लूंगा. आप लोगों ने ये दो हिंदी मूवीज देखी होंगी, वन इज भूल भुलैया और सेकेंड है चंद्रमुखी. अगर आप थोड़ा सा गौर करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि इन दोनों ही मूवीज के अंदर जो इनमें फीमेल करेक्टर है, जिसको आप अपनी भाषा में हीरोइन बोलते हैं, जो इनकी फीमेल करेक्टर है, आपने देखा होगा कि उनके अंदर ऐसा बताया गया कि उनमें अब से लगभग 300 या 400 साल पुरानी कोई चंद्रमुखी एक करेक्टर थी, डांसर थी, उनकी आत्मा आती है, ऐसा हमें बताया गया. सच्चाई ऐसा कुछ भी नहीं है कि उनकी आत्मा आती है. जो इसके पीछे फिलोसफी है वो ये है कि ये दोनों करेक्टर्स मॉडर्न लाइफ में जी रहे हैं और मॉडर्न लाइफ की अपने जीवन की इतनी समस्याएं इनकी, ये इतनी समस्याएं से घिरे हुए हैं कि दे रिमेन ऑलवेज अंडर प्रेशर. दे आर वरीड, दे फील देमसेल्फ इनसिक्योर, दे आर फुल ऑफ टेरर, दे आर अफ्रेड. इतनी चिंताएं हैं इनकी कि ये कोई ऐसे समय के अंदर जाने की कोशिश करते हैं, किसी ऐसे प्लेटफार्म पर जाने की कोशिश करते हैं जहां पर इनको पीस मिले, और तभी इनको किसी पुरानी स्टोरी के बारे में पता चलता है, चंद्रमुखी की कहानी के बारे में पता चलता है. तो इनको ऐसा लगता है कि वहां जाकर के, उस उम्र में जाकर के, उस एज में जाकर के हमें रिलीफ मिल सकता है, और इसलिए ये चंद्रमुखी बनने का और उस जैसा नाटक करने की एक कल्पनाएं करते हैं. सच्चाई कुछ नहीं है, ये केवल और केवल इनके दिमाग की कल्पना है और इसमें कुछ भी नहीं है. जब ये ऐसा करते हैं तो उसके अंदर रियलिटी और फैंटेसी यानी इमेजिनेशन की एक मिश्रण होता है. ये जीते तो उस वक्त प्रेजेंट के अंदर हैं, लेकिन इनकी जो मानसिकता होती है, जो इनके सपनों के अंदर ये कहां पहुंच जाते हैं, ये पास्ट में चले जाते हैं. तो स्टूडेंट्स, जो थीम इन दो हिंदी मूवीज के अंदर इनके डायरेक्टर ने देने की कोशिश की है, वही चीज आपको हमारे जैक फिनी ने थर्ड लेवल में देने की कोशिश की है. थीम इसका क्या हो गया कि हम मॉडर्न लाइफ के अंदर हर व्यक्ति इतना बिजी रहता है, सुबह से शाम तक इतने वर्कलोड उसके ऊपर होते हैं, उसकी इतनी समस्याएं होती हैं कि वो अपने आप को हमेशा इनसिक्योर महसूस करता है, वो हमेशा फुल ऑफ टेरर रहता है, उसको हमेशा युद्ध की चिंताएं होती हैं, उसको प्रेशर होता है उसके ऊपर काम का, और वो फ्रेट एंड वरी रहता है 24 आवर्स. और ऐसी स्थिति के अंदर वो कोशिश करता है कि मुझे कहीं शांति मिले, और ऐसी के अंदर वो फिर कभी ऐसी ऐसी किसी कहानी को ढूंढने की कोशिश करता है जिसमें वो उसको आनंद आ सके. और तब हम जाकर के कभी किसी पुरानी मोन्यूमेंट को देखते हैं, किसी पुराने किले को देखते हैं, किसी पुरानी हवेली को देखते हैं, तब वहां जाकर के हमको रिलीफ मिलता है. क्यों? क्योंकि हम ऐसा महसूस करते हैं कि हम ओल्ड एज में आ गए और वहां पर हमें शांति मिल रही है. ये इस पूरी कहानी का थीम है, यानी कि हम प्रेजेंट में रहते हुए प्रेजेंट की चिंताओं से या रियलिटी से बचने के लिए हम कभी कभी कल्पनाओं के माध्यम से पास्ट में चले जाते हैं. वो चीज राइटर आपको यहां बताना चाह रहे हैं. और किसके माध्यम से बता रहे हैं? ये वो करेक्टर है हमारा, यहां पर मुख्य करेक्टर है चार्ली. ये चार्ली हमारा मेन करेक्टर है, हुज एज इज 31, 31 साल का है ये. चार्ली को आप अकेला चार्ली मत समझिए, चार्ली हम सबका रिप्रेजेंटेटिव है, मॉडर्न एज का, मॉडर्न यूथ का रिप्रेजेंटेटिव है. ये स्टोरी मैंने आप लोगों को शायद पहले मेंशन किया हो कि ये न्यूयॉर्क की कहानी है. न्यूयॉर्क अमेरिका का एक सुंदर सिटी है जो अमेरिका के ईस्ट साइड के अंदर बिल्कुल शीशोर के ऊपर बसा हुआ है. आपने सुना होगा स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी, वो यही न्यूयॉर्क के पास ही है. न्यूयॉर्क के अंदर जो रेलवे सिस्टम है, उसके अंदर जो उन्होंने रेलवे स्टेशन बना रखे हैं, वो मंजिलों में बना रखे हैं.
ऊपर सरफेस के ऊपर एक मंजिल बनी हुई है, उसको लेवल वन बोलते हैं, जहाँ से एक्सप्रेस ट्रेन से चलती है, और एक नीचे बेसमेंट में है, जिस जैसे कि हमारा यहाँ मेट्रो चलती है नीचे, उसको लेवल टू बोला जाता है, वहाँ से लोकल ट्रेन से चलती है। तो ये न्यूयॉर्क के अंदर भी ऐसा ही है, यानी कि वहाँ पर केवल दो ही लेवल है, लेवल वन और लेवल टू, वो दो ही लेवल है वहाँ पर, लेवल वन और लेवल टू। आप इनको लेवल वन और लेवल टू से कंफ्यूज मत होइए, इनका मतलब है स्टेशन वन और स्टेशन टू, ये सरफेस के ऊपर है और ये अंडरग्राउंड है, नीचे चलता है। यहां जो हमारा चार्ली करेक्टर है, ये कहता है कि मैं लेवल वन की छोड़िए, वन टू की छोड़िए, मैं तो लेवल थ्री पर होकर के आया हूं। He says that he has been to level third. ये level third पर गया है। अब ये एक बड़े आश्चर्य की बात है, क्योंकि वहाँ की जितने भी अथॉरिटीज हैं न्यूयॉर्क की रेलवे की, वो सब कहते हैं कि हमारे पास level वन ही है, level वन और level टू ही है, level थ्री तो है ही नहीं। इवन वहाँ का जो प्रेसिडेंट है वो सेंट्रल रेलवे रोड्स के, वो भी यही बताते हैं कि हमारे पास level ही दो हैं, level थर्ड तो है ही नहीं। तो फिर इसके पास ये level थर्ड भी कहाँ चला गया? ये बड़ा आश्चर्य हुआ। ये चार्ली परेशान होकर के अपने फ्रेंड जो इनका दोस्त है सैम वेनर, ये इनका दोस्त है सैम वेनर, इनका फ्रेंड है जो एक साइकेटिस्ट है, यानी कि एक तरह का डॉक्टर है, और ये लुइसा इसकी वाइफ है चार्ली की, लुइसा इसकी बीवी है। चार्ली अपने फ्रेंड सैम वेनर के पास आता है और अपनी पूरी कहानी बताता, स्टोरी बताता कि मेरे साथ ये हुआ। लोग कहते कि वहां थर्ड लेवल है ही नहीं, बट आई विजिटेड थर्ड लेवल। तो इनके फ्रेंड बताते हैं, इसको समझाते हैं कि चार्ली तुम अपने जीवन में सुबह से शाम तक इतने बिजी रहते हो काम के अंदर, इतने परेशान रहते हो कि तुम्हें शांति पीस मिलती ही नहीं है। यू रिमेन ऑलवेज इनसिक्योर, फुल ऑफ फियर, फुल ऑफ टेरर, यू रिमेन ऑलवेज वरीड, टेंशन, हमेशा अंडर प्रेशर रहते हो, हमेशा तुम्हें चिंताएं ही चिंताएं होते हैं, कभी युद्ध की चिंता होती है तो कभी घर की चिंताएं, कभी देश की चिंताएं, कभी समाज की चिंताएं, कभी परिवार की चिंताएं, कभी ऑफिस की चिंताएं, हमेशा तुम घिरे रहते हो, तुम्हें शांति नहीं मिलती, और तुम उस शांति की तलाश करने के लिए कभी कभी दिन में सपने देखते हो, ए वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, इससे फालतू कुछ नहीं, तुम दिन में ही सपने देखते हो। वेकिंग ड्रीम मीन्स आप जागते हुए सपने देखते हो और आप अपनी इच्छाओं को पूरी करते हो। एक्चुअली तुम्हारी इच्छा क्या है? यू वांट पीस, तुम्हें शांति चाहिए, और तुम्हें रियल लाइफ के अंदर शांति मिलती नहीं है, इसलिए तुम कभी कभी सपने देखते हो और तुम पास्ट में जाने की कोशिश करते हो, इससे फालतू और कुछ भी नहीं है। तुम्हारे केवल और केवल ये थर्ड लेवल है, ये कोई भी वास्तव में है ही नहीं, ये केवल और केवल तुम्हारी इमेजिनेशन, तुम्हारी कल्पनाओं का एक क्रिएशन है, और इससे फालतू कुछ नहीं है। यहां एक चीज और भी बताई गई है कि चार्ली को एक और भी आदत है, और वो कौन सी है बच्चों? ये फिलेटली क्या होता है? कलेक्शन ऑफ स्टैंप्स। कुछ लोगों के अंदर ये आदत होती है कि वो स्टैंप्स को कलेक्ट करते हैं, पुरानी स्टैंप्स को कलेक्ट करते हैं, और अगर हम गौर करके देखें तो इसका मतलब क्या होता है? वो पुरानी चीजों को इकट्ठा करके ना थोड़ी सी देर के लिए उनको रिलीफ मिलता है। राइटर इसको बताते हैं कि टेम्परेरी रिफ्यूज फ्रॉम रियल लाइफ। जब वो लोग इस तरह के ये कलेक्शंस करते हैं स्टैम्प्स का, तो ऐसा लगता है कि थोड़ी सी देर के लिए वो पास्ट में चले जाते हैं और उनको रिलीफ मिलता है। तो ये स्टैम्प कलेक्टिंग करता है, लेकिन ये बताता है कि मेरे दादाजी कहाँ रहते थे? अमेरिका के ही एक और शहर है गेल्सबर्ग, इलिनियोस वहाँ का स्टेट है, उसके अंदर एक गेल्सबर्ग शहर है, और ये न्यूयॉर्क से 860 किलोमीटर से वेस्ट के अंदर है, पश्चिम में है न्यूयॉर्क से 860 किलोमीटर के ऊपर, जहाँ इनके दादाजी रहते थे। एंड ही वाज वेरी हैप्पी एंड ही वाज फुल ऑफ पीस, वो बहुत शांति से रहते थे। जब ये अपने दादाजी के जीवन के बारे में जानता है तो इसको पता चलता है कि दादाजी तो स्टैंप कलेक्टिंग भी नहीं करते थे, उनको स्टैंप कलेक्ट नहीं करते थे वो, क्यों? क्योंकि उसके पास तो अपने आप ही शांति थी, स्टैंप कलेक्टिंग की आवश्यकता क्या है? तो इनको स्टैंप कलेक्टिंग ये करते हैं और इनको दादाजी की कहानी हमेशा याद रहती है। अब यहां बात चलती है बच्चों कि ये उसके अंदर लेवल थर्ड के अंदर गए कैसे। ये बता रहे हैं कि ये लेवल वन पर जाते हैं, फिर टू पर जाते हैं, ऑफिस से आते हुए लेवल टू के ऊपर जाकर के ये वहां से अपनी गाड़ी पकड़ते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कहता है कि ये जो सेंट्रल रेलवे है ये नीचे ही नीचे इतना फैल रहा है, जस्ट लाइक द रूट्स ऑफ ए ट्री, एक पेड़ की जड़ों की तरह से ये फैला हुआ है।
नीचे सबवेज एंड टनल्स जाते हैं इधर उधर, अनेक बार ये उन गलती से उन सबवे में जाकर के कभी ये रूजवेल्ट होटल के सामने निकलता है तो कभी कोई और एक ऑफिस है उसके सामने निकलता है, ऐसा इसके साथ अनेक बार हुआ है। आज भी ऐसा ही हुआ जब ये एक और सबवे में चला जाता है और चलते चलते काफी लंबा चलने के बाद ही रीच्ड टू अनदर प्लेटफार्म, एक और प्लेटफार्म पर पहुंच गया जिसको ये क्या पुकारता है, लेवल थर्ड पुकार रहा है, और ये कहता है कि देयर वर अनयूजुअल थिंग्स। वो प्लेटफार्म जो था वो लेवल वन और लेवल टू जैसा प्लेटफार्म नहीं था, क्योंकि लेवल वन और लेवल टू ये तो कौन सी सेंचुरी के प्लेटफॉर्म्स हैं, 20th सेंचुरी के, 20वीं सदी के, क्योंकि हमारा राइटर है 1911 से 1995 तक का है, तो ये 20वीं सदी के प्लेटफॉर्म के बारे में ही वो एक्सप्लेन कर रहा है कि ये लेवल वन और लेवल टू ये तो 20th सेंचुरी के प्लेटफॉर्म हैं, लेकिन वहां जहां मैं गया हूं लेवल थर्ड जिसको ये पुकार रहा है, दैट इज वेरी स्ट्रेंज प्लेटफॉर्म, वहां की जो स्थिति थी वो बड़ी अजीब थी। अब वहां क्या क्या अजीब चीजें थी वो ये राइटर आपको बता रहा है, ये बता रहा है, नंबर वन, वहां पे देयर वर फ्यू टिकट विंडोज, वहां टिकट विंडोज बहुत ही कम थी, बल्कि यहां पर लेवल वन और लेवल टू पर बहुत टिकट विंडोज थी, क्योंकि ये 20th सेंचुरी का रेलवे स्टेशन है। दूसरी चीज ये बताता है कि वहां पे जो इंक्वायरी काउंटर था वो वुडन था, वो लकड़ी का बना हुआ था और बहुत पुराना था, बल्कि यहां पर जो मॉडर्न हमारे लेवल्स हैं इनके अंदर तो सबके सब जो इंक्वायरी कैबिन्स हैं दो आर ग्लास मेड, वो शीशे की बनी हुई हैं। तीसरी एक और चीज इसने बताई वहां पर, इसने बताया कि वहां फर्श के ऊपर ब्रास स्पिटन रखे हुए थे, फर्श के ऊपर पीतल के थूकदान रखे हुए थे, थूकदान, लेकिन अब इन लेवल के ऊपर तो लेवल वन और टू जो 20वीं सदी के हैं इनमें तो ऐसी कोई कल्चर है ही नहीं। और चीज यहां पर इसने बताई कि वहां पर चार्ली ने कहा कि देयर वर गैस लाइट्स एंड दोज वर फ्लिकरिंग, फ्लिकरिंग एक वर्ड आया होगा, ये रहा फ्लिकरिंग, वहां पर जो लाइट्स थी वो गैस लाइट्स थी और वो फ्लिकरिंग कर रही थी, टिमटिमा रही थी, लेकिन हमारे आजकल के रेलवे स्टेशन के ऊपर तो LED लाइट्स हैं, सारी के सारी इलेक्ट्रिसिटी लाइट्स है, फ्लिकरिंग का मतलब ही नहीं होता वहां पर, वो तो कंटिन्यू चलती है। इसी तरह से एक और चीज इसने वहां पर देखी, इसने क्या देखा वहां पर, स्मॉल लोकोमोटिव इंजन से देखे। अब ये लोकोमोटिव इंजन क्या होते बेटा, ये वो इंजन होते हैं जो पहले स्टीम से चलते थे, भाप वाले इंजन हुआ क्या करते थे, जो पानी से भाप बनती थी और उनसे चलते थे। अब इनको तो गए हुए एक जमाना हो गया, आधुनिक जो इंजन है लेवल वन और लेवल टू के ऊपर वो सबके सब इलेक्ट्रिक इंजन से आजकल, या फिर आप डीजल इंजन कह सकते हो, वरना तो आजकल सबके सब लाइट से चलते हैं ट्रेन से। तो वहां पर इसने लोकोमोटिव देखा, जो भाप से चलने वाला इंजन देखा। तो वहां पर इसने एक और भी एक बुक स्टॉल देखी, और बुक स्टॉल पर इसने वहां एक न्यूज़पेपर परचेज किया। वो न्यूज़पेपर कौन सा था बच्चों, दैट वाज द वर्ल्ड न्यूज़पेपर, द वर्ल्ड न्यूज़पेपर। और जो आज इसने ये कॉपी ली है न्यूज़पेपर की, ये 11th June 1894 का न्यूज़पेपर था, 11 जून 1894 का पेपर उसको वहां पर मिला। इसको देख करके इसको बहुत खुशी होती है, इसका मतलब ये कौन सी एज में चला गया है, 19th सेंचुरी के अंदर, 1894 की एज में। और 1894 की एज किसकी एज थी इसके दिमाग के अंदर, दादाजी की ग्रैंडफादर की एज थी जो गेल्सबर्ग के अंदर रहते थे। यहां इसने कुछ और भी अलग चीजें देखी, इसने वहां देखा कि वहां के जो लोग थे, जो पैसेंजर्स थे, दे वर आल्सो वेरी स्ट्रेंज, देयर यूनिफॉर्म वाज आल्सो स्ट्रेंज, दे हैड डर्बी हेड्स, डर्बी हेड्स होते बेटा जिनकी बड़ी बड़ी साइड्स होती हैं इनके हेड्स के अंदर, वो डर्बी हेड्स है, दे हैव ब्लैक 4-बटन सूट्स, उनके जो सूट्स थे उनके 4 बटन्स हुआ क्या करते थे, और दे हैव साइड बर्न एंड फैंसी मोस्टेस्ट, जो उनकी मूछे होती थी वो साइड बर्न और फैंसी मूछे होती थी, और वहां पर बहुत से लोग ऐसे थे वो हैज बियर्ड, जिनके लंबी लंबी दाढ़ियां होती थी, दाढ़ी लंबी लंबी थी। तो इन सब चीजों को देख करके ये इसने तय किया कि ये तो मॉडर्न लाइफ नहीं है, ये तो कौन सी एज के अंदर चला गया, दादाजी की एज के अंदर चला गया, 1894 के अंदर चला गया। तभी ये डिसाइड करता है कि अब मैं दादाजी के ही शहर में जाऊंगा और वहां आनंद से रहूंगा क्योंकि वहां पर शांति है। तो ये काउंटर पर जाता है और 2 टिकट्स परचेज करने की सोचता है। अब डबल टिकट किसके लिए, 1 फॉर हिमसेल्फ चार्ली और 2 फॉर हिज वाइफ लुइसा, एक अपने लिए और एक अपनी वाइफ के लिए। अब इससे ये तो हमें पता चलता है कि चार्ली रहता तो सपनों के अंदर है, इमेजिनेशन के अंदर है, लेकिन उसके बावजूद भी अपनी बीबी को नहीं भूलता। तो कहता है कि उसके साथ ही जाऊंगा और वहां बहुत शांति से हम रहेंगे। जब ये काउंटर पर जाता है और काउंटर क्लर्क को पैसे जब ये देता है तो काउंटर क्लर्क बड़े गुस्से से इसकी तरफ देखता और कहता है, मिस्टर, इजिप्ट द करेंसी,
इट्स नॉट वर्किंग, ये है ही नहीं, ये जो आप करेंसी मुझे दे रहे हो, जो रुपीज दे रहे हो, डॉलर दे रहे हो, ये नहीं चलते यहां पर। तो ये चार्ली कहता है कि मैंने झुक करके उसके ड्रायर में देखा तो आई फाउंड दैट देयर वर ओल्ड टाइप ऑफ करेंसी, वहां पर बहुत पुरानी इस एज की 1894 की या 19th सेंचुरी की वहां पर करेंसी थी। चार्ली वापिस आ जाता है, बैंक जाता है, $300 से देकर के, और वहां से ये उसके बदले में $300 बैंक से लेकर के ये उसके बदले में 200 ओल्ड करेंसी लेता है। और फिर ये वापस थर्ड लेवल पर जाता है किस काम के लिए, टिकट्स लेने के लिए गेल्सबर्ग जाने के लिए। अब बच्चों यहां एक टर्न आता आपकी स्टोरी के अंदर कि जब ये वापस जाता है तो ही डिड नॉट गेट थर्ड लेवल, दोबारा इसको थर्ड लेवल नहीं मिला। इसने बहुत कोशिश की, बहुत कोशिश की, लेकिन फिर इसको वो थर्ड लेवल नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि सच्चाई तो यही थी कि थर्ड लेवल था ही नहीं कोई चीज। वो थर्ड लेवल कहां था? वो इसके दिमाग के अंदर केवल एक इमेजिनेशन था और था ही नहीं। अब यह एक और घटना घटते हैं, इसका जो फ्रेंड है सैम, कुछ दिनों से वो डिसअपियर हो रहा है, वो मिलता ही नहीं कहीं पर भी। चार्ली को अंदाज है कि वो कहां गया। चार्ली कहता है कि मुझे पता वो कहां गया, वो गेल्सबर्ग गया, क्योंकि वो गेल्सबर्ग को बहुत पसंद करता है। गेल्सबर्ग बच्चों ये वही जगह है जहां इसके दादाजी रहते थे और जहां पर शांति है। तो ये महसूस कर रहा है कि मुझे पता है वो गेल्सबर्ग गया है और वो वहीं पर रह रहा है, वो खुशी के साथ है। अब एक दिन, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि चार्ली को स्टैंप कलेक्टिंग का बहुत शौक है, और जो स्टैंप कलेक्टर्स होते हैं उनकी एक क्रम होते हैं फर्स्ट डे कवर्स, दे यूज टू मेक फर्स्ट डे कवर्स। अब बच्चों आपसे क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर द फर्स्ट डे कवर्स, क्या होता है ये? इसको समझो, जो भी लोग स्टैंप कलेक्टिंग का शौक रखते हैं वो क्या करते हैं, जब भी उनको कोई नई स्टैंप मिलती है वो एक एनवेलप लेते हैं, खाली एनवेलप लेते हैं, उसके ऊपर उस स्टैंप को चिपका देते हैं, उस एनवेलप के ऊपर अपना खुद का एड्रेस लिखते हैं, और उसके बाद उस लिफाफे को, उस एनवेलप को पोस्ट ऑफिस में डालाते हैं। पोस्ट ऑफिस क्या करेगा, उस लिफाफे के ऊपर स्टैंप लगाएगा और उस स्टैंप के ऊपर क्या आ जाएगी, उस दिन की डेट प्रिंट होकर के आ जाएगी। उस लिफाफे में ये कुछ डालते नहीं है, फिर वो लिफाफा किसके पास आएगा, क्योंकि उन्होंने अपना ही एड्रेस उसके ऊपर लिख रखा है तो वो उन्हीं के पास आएगा। तो इस तरह का ये फर्स्ट डे कवर होता है, वो जो कवर आएगा इनके पास वो उसको फर्स्ट डे कवर बोलते हैं। तो एक दिन इस चार्ली के पास ऐसे फर्स्ट डे कवर बहुत है, क्योंकि हमें पता है कि ही इज फॉन्ड ऑफ स्टैंप कलेक्टिंग, तो इसके पास बहुत ऐसे फर्स्ट डे कवर्स हैं। तो एक दिन जब ये उनको ढूंढ रहा था तो उसमें इसको एक नया फर्स्ट डे कवर मिला, और वो क्लोज था, वो बंद था, आश्चर्य की बात है। और वो किसके एड्रेस के ऊपर था, दादाजी का जो घर था गेल्सबर्ग पर, उसके एड्रेस के ऊपर था वो लेटर। कमाल की बात है, इसने उसको खोल करके देखा, उसमें क्या था, उसमें चार्ली को संबोधित कर रखा था, और उसमें क्या डेट दे रखी थी, 18th जुलाई 1894, ये उसके अंदर डेट दे रखी। और वो किसको संबोधित करके लिखा गया था, चार्ली को संबोधित करके लिखा गया था। अब बच्चों जरा गौर करके देखिए, 1894 के अंदर तो चार्ली तो था ही नहीं, एड्रेस दादाजी के घर का दे रखा और संबोधित किसको कर रखा, चार्ली को कर रखा। और उसमें क्या कहा, लिखने वाला कौन था, सैम, नीचे सिग्नेचर किसके कर रखे, सैम, ये वही सैम है जो इसका फ्रेंड है, उसने कर रखा कि चार्ली यस आई हैव विजिटेड लेवल थर्ड, मैं भी लेवल थर्ड पर विजिट करके आया हूं, आई नो देयर इज लेवल थर्ड, मैं जानता हूं कि लेवल थर्ड एग्जिस्ट करता है, तुम भी कोशिश करना कि लेवल थर्ड को ढूंढो, वहां पर तुम और तुम्हारी बीबी वहां उसी वक्त तक रहो जब तक कि तुम लेवल थर्ड को नहीं ढूंढते, मैं गेल्सबर्ग आ गया हूं और मैं यहां पर बहुत खुश हूं, बहुत संतुष्ट हूं, तुम वहां लेवल थर्ड को ढूंढो। और साइन करता है कौन, सैम। अब हमें पता चलता है कि सैम कोई और नहीं, ये इसका फ्रेंड यही है जो साइकेटिस्ट है, यही है। अब यहां पर भी एक मिस्ट्री है। अब बच्चों या अब ये आपकी स्टोरी बस यहाँ फिनिश हो गई है, यहाँ आकर के आप कंफ्यूज हो जाते हो, सर ये क्या है, ये क्या हुआ, क्या ये फर्स्ट डे कवर्स हैं और ये क्या मुद्दा हुआ। अब आप समझो एक बात, मैंने आपको बताया था कि जो फ्रस्ट्रेटेड व्यक्ति हैं, जो बड़े परेशान हैं इस दुनिया के अंदर, वो सुख की तलाश में, पीस की तलाश में कल्पनाएं करते हैं और किसी बहुत पुरानी एज के अंदर जाने की कोशिश करते हैं। चार्ली भी यही है, ये हमारा मॉडर्न यूथ है, हमेशा परेशान रहता है और ये किसी खुशी की तलाश के अंदर अपने दादाजी की एज में चला जाता है। अब आपसे कोई पूछे व्हाट इज द थर्ड लेवल,
अब आपको क्या बताना, थर्ड लेवल क्या है? थर्ड लेवल डज नॉट एग्जिस्ट एनी वेयर, इट इज ओनली द इमेजिनेशन क्रिएशन ऑफ ए चार्ली। चार्ली इज ए फ्रस्ट्रेटेड पर्सन, ही रिमेन्स ऑलवेज अंडर टेरर एंड प्रेशर, सो ही वॉन्ट्स टू गो समवेयर इन सर्च ऑफ पीस, सो ही क्रिएट्स थर्ड लेवल इन हिज माइंड विद हेल्प ऑफ विच ही कैन गेट पीस। थर्ड लेवल अपने दिमाग के अंदर ही कल्पना करता है, एक सपना लेता है, थर्ड लेवल कहीं पर भी है नहीं, केवल सुख प्राप्त करने के लिए थर्ड लेवल की बात करता है। तो पहले तो इसने थर्ड लेवल का बताया, दोबारा जब ये बता रहा है कि ये लेटर आया है और किसने डाला, सैम ने, सच्चाई ये नहीं, सैम लेटर नहीं डाला, सच्चाई यही है इसी ने खुद अपना लेटर लिखा और खुद अपने एड्रेस के ऊपर उसको डाल दिया, ये एक और इसकी वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है। दोबारा से फिर ये उसी एज के अंदर जाने की सोचता है, तो ये एक इसकी दो हरकतें हैं ऐसी, एक थर्ड लेवल को बताता है कि मैं थर्ड लेवल विजिट की है, और दूसरा इसने जो लेटर लिख करके डाला है ये खुद ही इसने वो लेटर लिखा है, और ये भी इसकी क्या है, वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट है बच्चों। तो इस तरह से ये स्टोरी आपकी फिनिश होती है। थीम सेंट्रल आइडिया जो मैंने आपको बताया है ये वही है, इसके कुछ टर्म्स है वो हम आपको बता देते हैं। ए वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट हम डिस्कस कर चुके हैं कि जागते हुए ही आप लोग सपने देखना, इसका मतलब ये हो गया कि टू रन अवे फ्रॉम रियलिटी, जो जीवन में सच्चाई है उससे दूर भागना और झूठे सपने देखना, ये चीज आपको यहां पर बताई गई है। राइटर में बताता है कि हमारा जो जीवन है ना, ह्यूमन लाइफ है, इट रिमेन्स ऑलवेज हैंगिंग बिटवीन प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, हम प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर के अंदर घूमते रहते हैं और हम तलाश करते रहते हैं कि हमको शांति कहां मिले, और जनरली हमें शांति कहां मिलती है, पास्ट में मिलती है, तो हम पास्ट में जाने की कोशिश करते हैं। अनयूजुअल ये है फिलैटेली, फिलैटेली क्या होता है मैंने आपको बताया था कि ये कलेक्शन ऑफ स्टैंप्स होता है, कुछ लोगों को इंटरेस्ट होता है टिकट्स को कलेक्ट करने का, तो फिलैटेली कलेक्शन ऑफ स्टैंप्स होता है। अनयूजुअल एट लेवल थर्ड, थर्ड लेवल के ऊपर अनयूजुअल सिचुएशन क्या थी, वो सारी की सारी वही है जो मैंने आप लोगों को बताया था, वहाँ टिकट विंडोज कम थे, वहाँ पर जो इंक्वायरी ऑफिस था वो लकड़ी का और पुराना बना हुआ था, वहाँ पर फर्श के ऊपर जो पीतल के स्पिटन्स रखे हुए थे, वहाँ पर लोकोमोटिव्स थे, वहाँ पे जो गैस लाइट्स थी वो फ्लिकरिंग थी, और वहाँ पे जो लोग थे उनकी यूनिफॉर्म्स बहुत ही अजीब अजीब थी, वो सब चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। फ्लिकरिंग लाइट्स ये वही हैं जो गैस लाइट्स हैं, जो टिमटिमाती हैं वो कभी बुझती हैं फिर चस जाते हैं फिर बुझती हैं वो। तो इस तरह से बच्चों ये चैप्टर हमारा यहीं पर फिनिश होता है, मुझे उम्मीद है कि इसका एक नया थीम है, आप लोगों को पसंद आया होगा। बच्चों इसको चैप्टर को आप लर्न कीजिए, इसको बार बार कोशिश करिए इसको लर्न करने की, और आप इसको लाइक ज़रूर करें, इसको शेयर करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। आज का इतना ही, दैट्स ओके, हैव ए गुड डे।